चलिए दोस्तों इस मैथ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दिया गया है पी फोर इज इक्वल टू 4354 माइनस 1/P4। तो देखते हैं P4, इस पी 1/P4 को हम लोग इस पार ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि सामने माइनस था। तो कितना आया 4354। यही आया। तो हम लोग ये सवाल में क्या पूछा गया, क्यूब में पूछा गया। क्यूब में पूछा गया तो पहले हम लोगों को सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा। तो इसका आधा करेंगे पहले, पी स्क्वायर प्लस 1/P2। तो क्या करना पड़ेगा, रूट में 4354 प्लस 2, जिसका वैल्यू कितना आएगा 4356। एक किसका रूट है, 66 का, 60 किसका वैल्यू है, 66 का, हाँ 66 का। इसका वैल्यू कितना आया, 66, कितना आया 66। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका वैल्यू 66 आया, तो इससे भी हम लोगों को आधा करना है। पहले पी तक जाना है, पी 1/P, इसको करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी रूट में डाल के 64 अब माइनस कर देना पड़ेगा, 66 माइनस 2 कर देना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 64 जो आएगा 8, हाँ। तो पी प्लस 1/P, इसका वैल्यू कितना आया, 8। लेकिन हम लोगों को तो क्यूब तक जाना है, पी क्यूब माइनस 1/P3। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 8 का क्यूब कर देना पड़ेगा पहले। अब देखिए माइनस पे जाना है तो हम लोगों को प्लस करना पड़ेगा, 3 × 8 3 के फॉर्मूला है, क्यूब करके 3 से वो नंबर गुना कर देना। 8 का क्यूब कितना होता है बताइए, 512 प्लस 8 × 3 = 24। तो कितना आएगा, 536, 536 इसका सही जवाब है। पी क्यूब माइनस 1/P3 का वैल्यू 536 जो ऑप्शन ए में है। चलिए दोस्तों मिलते हैं और एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।